नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चोगामा की आवाज़। सहपाठियों से पिटने वाले छात्र का नहीं हुआ एडमिशन। मुजफ्फरनगर के गांव खुब्बापुर के थप्पड़ प्रकरण को लेकर मामला शुक्रवार को फिर से गर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद पीड़ित बालक का शारदेन स्कूल में प्रवेश नहीं हो सका। शुक्रवार को बालक और उसके स्वजन स्कूल पहुंचे, लेकिन पिछले स्कूल से टीसी न मिल पाने के कारण स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही बीएसए शुभम शुक्ला ने भी विद्यालय प्रबंधन से वार्ता की, जबकि बालक के स्वजन ने प्रवेश न दिए जाने पर निराशा जाहिर की। बच्चे का वो भी होगा जो इंटरव्यू वगैरह हुआ था, और अब तो दो ही समस्या आ रही है। एक तो जो टीकाकरण का कार्ड होता है, और एक टीसी की समस्या आ रही बच्चे की। अब ये यहाँ स्कूल के जो अधिकारी, इन्होंने बोला कि हमने उनसे टीसी मांगा अधिकारी से, शिक्षा अधिकारी था, तो उन्होंने ये बोल दिया ना कि स्कूल बंद है, टीसी कहाँ से लावे। स्कूल चल रहा बराबर, वो ये भी झूठ बोलने जा रहा है यहाँ पे। स्कूल में लगातार जो है आपसे टीकाकरण का कार्ड और ये टीसी जो मांगी गई है, इसके अलावा भी स्कूल ने बीएसए साहब से भी लिख के देने की बात कही है। हाँ, एफिडेविट लिख कर दे दो कि हम टीसी नहीं दे रहे और हम एडमिशन कर लगे। अच्छा, पीएसए साहब अभी आपके साथ आए थे स्कूल में, किस तरह की बातचीत हुई अंदर? अंदर तो मैं तो अलग बात कर रहे थे, पीएसए साहब तो ये कह के गए कि आज ही एडमिशन होगा बच्चे का। अच्छा, किस तरह की सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बच्चे को मिल रही हैं अब? देखो, अभी तो हमें कोई सुविधा का वो नहीं मिला, अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि इसकी पैसा स्कूल का कौन कौन सा डिपार्टमेंट देगा। यहाँ पे बोल रहे थे स्कूल वाले के, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि कौन इसकी जिम्मेदारी देगा, कौन स्कूल को पैसा भेजेगा, कौन सा वो। जैसे आप बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट का खर्चा आप पे डाल दिया गया, ड्रेस और अन्य खर्चे भी आप पे डाल दिए। हाँ जी, क्या बहन क्या करेंगे फिर ये खर्चा? अब जी देखो, हमें तो बच्चा पढ़ाना, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा क्या खर्चा कौन उठाएगा और क्या होगा क्या। अब ये तो सरकार भी अगर पल्ला झाड़ दे तो हमें तो बच्चा अपना पढ़ाना है। इस पूरी घटना को कितना समय हो चुका? अब ये जो प्रक्रिया चली है तो 4-5 दिन से चली है।